गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट ग्रामर, चैप्टर वन, द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि मैंने लास्ट थर्ड स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में भी मैंने आपको सेंटेंस के बारे में सिखाया ही है। आज हम सेंटेंस को सीखेंगे कि किसको सेंटेंस कहते हैं, वो थोड़ा सा बेसिक भी हम सीख लेंगे और साथ में हम सेंटेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखना है व्हाट इज सेंटेंस, कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वो पहले तो हमें समझना है कि एक बार हमारा ये सब रिमाइंड हो जाए कि किसको सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ थॉट एंड दैट मेक्स सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, जो शब्दों का समूह होता है, ग्रुप होता है। जैसे कि इसको भी हम सेंटेंस ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये शब्दों का समूह आया है, ग्रुप आया है। एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड, ये सेंटेंस जो बना है वो क्वेश्चन सेंटेंस है, पर ये सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें देखो एक दो तीन वर्ड से ये सेंटेंस बना है, पर फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैरेक्टर है, एंड में क्वेश्चन मार्क भी है, और फिर ये मीनिंगफुल भी बनता है। ये सेंटेंस रीड करते हैं तो हमें समझ में भी आता है, इसको ऑर्डर में अरेंज किया हुआ भी है ना, कि पहले अगर क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है, और अगर वर्ब आता है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो कोई वर्ड वर्ब भी आता है, चाहे वो पास्ट वर्ड हो, प्रेजेंट वर्ड हो, कोई भी उसमें वर्ब आता है, तो वो भी यहाँ पर है। और इसको ऑर्डर में मीन्स सब्जेक्ट फिर वर्ब ऐसे आता है, और जब क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको हमें लिखना होता है, फिर वर्ब आता है, और फिर नाउन आता है, और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ऐसे ही ये सेंटेंस भी अरेंज किया हुआ है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। यहाँ पर वर्ड्स का ग्रुप है और उसको प्रॉपरली अरेंज भी किया हुआ है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी सेंटेंस ही माना जाएगा। और यहाँ पर भी देखो वर्ड्स का ग्रुप है, और इस सेंटेंस में भी ये वर्ड्स का ग्रुप है, और ये कंप्लीट सेंस बनता है। एंड में फुल स्टॉप भी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है, तो इसको भी हम सेंटेंस कह सकते हैं, ये भी सेंटेंस ही है। तो हम बात कर रहे थे कि शब्दों का जो समूह होता है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, जो हमारे जो इंटरनल फीलिंग्स है या हमारी जो सोच है उसको जब हमें एक्सप्रेस करना हो, कुछ हमें बोलना है या किसी के बारे में कुछ लिखना है, तो हम शब्दों को एक लाइन में लिखते हैं और वो वाक्य हम बनाते हैं, मीन्स वो सेंटेंस बन जाता है, तो उसे कहते हैं सेंटेंस। तो उसे कहते हैं सेंटेंस, जो उसको लिखने में और बोलने में सामने वाला समझ भी जाता है, अगर हम हमारे शब्दों को प्रॉपरली अरेंज करके सेंटेंस में हम बोले तो। फिर है When we speak or write, we make use of complete sentence. जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, तब हमें हम एक सेंटेंस जो बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसको हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं, उसमें हमें सब्जेक्ट या वर्ब जो भी यूज करना होता है, या हिंदी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में, या इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में हम बोलना चाहे या लिखना चाहे, तो उस शब्दों को, उस वर्ड्स को हमें प्रॉपरली ऑर्डर वाइज उसको अरेंज करना पड़ता है, तब जाके वो कंप्लीट सेंटेंस बनता है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप मार्क है, कि ऐसा मार्क होता है फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, तो और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क की साइन है। तो यहाँ पे कहा गया है
स्टार्ट करना है, कोई भी छोटा या बड़ा या फिर हम पैराग्राफ भी लिखे तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर हम लिखे या फिर सेंटेंस का भी फर्स्ट लेटर जो हम लिखते हैं उसको हमें ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि मेरा नाम भागिनी जोशी है तो मुझे लिखना पड़ेगा माय। अब मैंने ये सेंटेंस मेरा स्टार्ट किया माय नेम इज भागिनी जोशी, तो मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड आया उसका फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल करना है। माय नेम इज, अब मेरा नाम है वो प्रॉपर नाउन में आता है, कोई भी पर्सन का नेम है वो प्रॉपर नाउन में आता है तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तो मैंने अपने नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल किया और मेरी सरनेम उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आता है। और अब मेरा ये सेंटेंस मुझे इतना ही कहना था, मैंने इतना बोल दिया एक लाइन में, इतना मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया, मेरा सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया है तो मुझे यहाँ पर फुल स्टॉप करना पड़ेगा जब मैं ये सेंटेंस लिखूंगी तब। पर हम जब बोलते तब फुल स्टॉप ऐसा हम बोलते नहीं है, ऐसा नहीं बोलते माय नेम इज भागिनी जोशी फुल स्टॉप, ऐसा जब बोलते हैं बोलने में हमें ये मार्क्स जो होते हैं क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क उसको हम यूज नहीं करते हैं। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क फुल स्टॉप ये सब मार्क्स है उसको हम लिखते तब यूज करते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन है वो जब इस सेंटेंस हमारा लिखा हुआ पढ़े तो उसकी समझ में आए कि हाँ यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ कहा गया है, हाँ इस सेंटेंस में हमें कुछ पूछा है। और ये हमारी जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमारी इंटरनल फीलिंग्स बताता है, जब ये हम समझेंगे तब इसको मैं डीपली आपको समझाऊंगी। अभी यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है और एंड में फुल स्टॉप किया है, मेरा नाम है प्रॉपर नाउन में आता है, कोई भी पर्सन का नेम है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, तो मैंने अपने नाम का फर्स्ट लेटर बी कैपिटल किया और जोशी का जे मैंने कैपिटल किया है। तो ये मेरा ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस में इसको आप जब रीड करेंगे बोलेंगे तो समझ में आ जाता है कि मेरा नाम भागिनी जोशी है। तो ये हुआ कंप्लीट सेंटेंस। अब देखो कहा है कि अगर सेंटेंस है एंड में क्वेश्चन मार्क तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है वो भी कंप्लीट सेंटेंस ही माना जाता है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं होता है। अगर सेंटेंस में एंड में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो समझना है कि ये भी सेंटेंस ही है और अगर मीनिंगफुल है तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस भी है। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन मार्क का, तो व्हाट इज योर मदर डूइंग, व्हाट इज योर मदर डूइंग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड है, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही आता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड भी फर्स्ट आ सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन वर्ड से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है व्हाट, तो मैंने मोड से अपना सेंटेंस स्टार्ट किया है तो मैंने मोड का फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू वो कैपिटल किया है और इसको मैंने अरेंज किया ऑर्डर वाइज, एबीसी नहीं एबी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज नहीं, पर जो हमें कहा जाता है हमारा जो क्वेश्चन बनाने का या सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेट होता है उसके मुताबिक मैंने इसको अरेंज किया और एंड में मैंने कुछ पूछा है, मैंने क्वेश्चन पूछा है इसलिए एंड में मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस ही है, व्हाट इज योर मदर डूइंग, मैंने सामने वाले पर्सन को पूछा है कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस ही बनता है। अब देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क वाला एक सेंटेंस हम देखते हैं, तो वो उसका एग्जांपल है,
Wow. What a beautiful flower. What a beautiful flower. अब देखो wow, how, oh, oh my god, yeah, hooray, ये सब जो words है मैंने आपको third standard में भी सिखाए थे और second standard में भी हमने सीखे थे कि ऐसे words जो होते हैं वो exclamatory sentence में आते हैं जो हमारी internal feelings को बताता है कि कभी बहुत हम खुश हो जाते हैं या कभी sad हो जाते हैं। तो ये जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स है ये बताने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं और ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में फर्स्ट आते हैं तो उस वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं और व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप किया और यहाँ पर W कैपिटल किया तो ये भी एक सेंटेंस ही माना जाएगा। Means, कि सेंटेंस जब भी हम स्टार्ट करें कोई भी सेंटेंस लिखना आता है वो फुल स्टॉप वाला हो मींस असर्टिव सेंटेंस हो फिर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस तो हम उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क वाला तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो तो अगर उसको प्रॉपरली ऑर्डर वाइज उसको अरेंज किया हुआ है फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क किया गया है तो वो सेंटेंस ही माना जाएगा और कंप्लीट सेंटेंस ही उसको माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल लर्न टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? द फोर मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर। चार प्रकार के सेंटेंसेस आपको इस लेसन में सीखने हैं। तो उसमें से फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन स्टेटमेंट्स, उसको हम विधान वाक्य भी कह सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस मीन्स व्हेन अ सेंटेंस सेज समथिंग इट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जब सेंटेंस जो हम लिखते हैं या बोलते हैं तो वो कुछ कहता है कोई पर्सन या कोई थिंग्स के बारे में कुछ कहता है तब वो सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एंड असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो ऐसे विधान वाक्य होते हैं स्टेटमेंट्स ऐसे सेंटेंस होते हैं उसका एंड है वो फुल स्टॉप में होता है, उसके सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप करना पड़ता है। फिर सेकेंड हमारा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स उसमें कोई जैसे कि उद्गार वाक्य उसको हम कह सकते हैं कोई ऐसे सरप्राइज जैसे हम सरप्राइज ही हमारी इंटरनल फीलिंग्स को हम उसमें बता सकते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। और फोर्थ है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें रिक्वेस्ट आ सकती है ऑर्डर आ सकती है और किसी को कोई एडवाइस हमने दी है तो ऐसे सेंटेंस इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसमें हम पहले देखेंगे और सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस। व्हेन अ सेंटेंस सेज समथिंग इट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जब सेंटेंस में कुछ कहा जाता है कोई पर्सन या थिंग्स के बारे में किसी के भी बारे में कुछ बताया जाता है हमें तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। एंड असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस का एंड है वो ऑलवेज फुल स्टॉप में होता है। यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं वो देखिए। द टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन। द टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन। शिक्षक ने हमें नया लेसन सिखाया। तो ये मैंने कुछ कहा है सिर्फ, इसमें नहीं मैंने क्वेश्चन पूछा
पूछा है, नहीं कोई एडवाइस है, नहीं कोई रिक्वेस्ट दिखती है, सिर्फ मैंने कहा है कि टीचर ने हमें नया लेसन सिखाया, तो यहाँ पर मैंने किया है फुल स्टॉप और ये सेंटेंस बनता है असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो फैक्ट होता है वो भी असर्टिव सेंटेंस में आता है कि सूर्य ईस्ट में उगता है, पूर्व में उगता है, तो ऐसे सेंटेंसेस भी असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, तो उसके एंड में भी हमें फुल स्टॉप करना है। फिर थर्ड एग्जांपल है, हिज ब्रदर बिकेम अ डॉक्टर, उसका भाई डॉक्टर बन गया, उसका भाई डॉक्टर बन गया। यहाँ पर मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे बहुत खुशी हो, या फिर ऐसे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है कि हमें वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क करना है, या कोई सैड न्यूज भी नहीं है, मैं सिर्फ मैंने कहा है कि उसका भाई डॉक्टर बन गया, तो यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस बनता है और इसके एंड में आएगा फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो है इंट्रोगेटिव, तो अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस किसको कहते हैं, व्हेन अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन इट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस में हमें प्रश्न पूछा गया है, किसी के बारे में कुछ पूछा गया है, तब ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एंड होता है वो ऑलवेज क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, फर्स्ट लेटर तो उसका कैपिटल तो होता ही है, पर उसका जो एंड है वो क्वेश्चन मार्क में होता है, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप करते हैं, वैसे क्वेश्चन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है। उसके एग्जांपल्स हम देखें तो फर्स्ट इज हु गेव यू दैट बुक, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हें वो बुक, ये बुक किसने दी, पूछा है कुछ मैंने, तो यहाँ पर जो वो है वो क्वेश्चन वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर भी मैंने कैपिटल किया है और क्वेश्चन पूछा है इसलिए उसके एंड में मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखे, इज ही योर फादर, मैंने उसको पूछा है कि क्या वो तुम्हारे पिताजी है, क्या वो तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे फादर है, मैंने उसको पूछा है, तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इज, इसका आई है वो फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल किया है, पूरे आई और एस दोनों को कैपिटल नहीं करना है, फिर फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही कैपिटल करना है, तो इसका आई कैपिटल किया है और एंड में मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। अब थर्ड एग्जांपल देखें, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, मींस क्या बिजनेस करते हैं, क्या जॉब करते हैं, उसके बारे में पूछा है कि तुम्हारे पिताजी क्या है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड आया है और एंड में मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence, when a sentence expresses a strong feeling, it is called an exclamatory sentence. जब कोई sentence हमारी जो internal feelings है, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी sad हो जाते हैं, कभी हमें कुछ surprise, जैसे कोई strange thing हमने देखी या strange person को देखा तो हम surprise हो जाते हैं, तो ऐसी जो feelings होती है वो जो हमारे अंदर से निकलती है, ऐसी फीलिंग्स जो हमारे अंदर से निकलती है तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं जब हम उसको लिखते हैं तब उसका एंड है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से करना होता है, बोलने में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नहीं होता है, हम ऐसे नहीं बोलते व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे नहीं बोला जाता है, पर जब हम लिखते हैं ऐसे सेंटेंसेस तब उसके एंड में हमें ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क करना पड़ता है ताकि समझ में आए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो उसके एग्जांपल्स देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या सुंदर फूल है,
खिलते हैं, आनंद होता है। तो क्या सुंदर फूल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फिर सेकंड है तो व्हाट अ लवली गार्डन इट इज, उस गार्डन को अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, बहुत सारे फ्लावर्स है, बेंचेस है, स्लाइड्स है, स्विंग्स है, तो और वो सभी जगह जहां पर देखो वो ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो हमारा माइंड है वो खुश खुश हो जाता है, उसको देख के हमें खुशी मिलती है कि वाह क्या सुंदर गार्डन है, कितना क्लीन है, यहाँ पर जो एटमोस्फियर है वो बहुत ही फ्रेश है, सभी चारों तरफ ग्रीनरी होती है, तो ऐसा फ्लावर सुंदर देता है। तो व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, तो ये हुआ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ओ वी लॉस्ट द मैच, अरे हम मैच हार गए, थोड़ा सा हमें अंदर से दुख होता है, थोड़े से ये सैड न्यूज है। तो ओ है वो एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क किया और यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप किया। तो वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। फोर्थ एग्जांपल है व्हाट अ गुड आइडिया, वाह क्या आइडिया है ना, कोई भी काम के लिए कोई काम निकलना करना है उसके लिए हमें आइडिया निकलता है, कोई आइडिया देता है तो हम कहते हैं वाह वाह व्हाट अ गुड आइडिया, कितना अच्छा विचार है, क्या आइडिया है। फिफ्थ सेंटेंस है वाह व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन ही इज, अभी कोई ऐसा हो ताकत वाला काम करके दिखाता है कोई मैन, तो हम बोल पड़ते हैं वाह व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन ही इज, क्या मजबूत बलवान इंसान था वो, है ना। तो ये हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब जो हमें फोर्थ टाइप देखना है सेंटेंस का, फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है, वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, उसको अब हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो जब हम उसको रीड करते हैं तो समझ में आता है कि सेंटेंस में हमें कुछ ऑर्डर दिया गया हो कि ये काम मत करो, ऐसा मत बोलो, वहां मत जाओ, तो कुछ ऑर्डर दिया गया या फिर उसमें रिक्वेस्ट बताई गई हो, प्लीज मुझे आप अपनी बुक दो, प्लीज मेरी पेंसिल दो, प्लीज मुझे एक ग्लास पानी दो, ऐसी रिक्वेस्ट दी गई हो या फिर कोई एडवाइस दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, जैसे असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में भी एंड में फुल स्टॉप आता है। तो एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट है ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज डोर ओपन कर दो, ओपन द डोर। फिर सेकेंड है कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। थर्ड है डू योर वर्क, तुम अपना काम करो, डू योर वर्क, तुम अपना काम करो, ये सभी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आया है। फोर्थ सेंटेंस है गो टू बेड, जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। फिफ्थ सेंटेंस है डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल को मत तोड़ो या फिर फ्लावर्स मत तोड़ो, तो इसके एंड में भी है फुल स्टॉप। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो या फिर कोई एडवाइस दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस, उसमें हमने चार प्रकार के सेंटेंसेस सीखे मैंने आज आपको सिखाए। आई होप कि आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, और टेक्स्ट बुक में से भी इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। और स्टूडेंट्स